नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मंगलवार को चक्रवात आसनी का काफी प्रभाव दिख सकता है। उत्तरी अंडमान सागर पर गहरा दबाव बन गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि ये दबाव मंगलवार को तेज होकर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को भविष्यवाणी की है कि अगले 36 घंटों में उत्तरी अंडमान में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। एएनआई से बात करते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने कहा कि नए अपडेट के मुताबिक उत्तरी अंडमान सागर पर अवसाद एक गहरे अवसाद में तेज हो सकता है। ये पिछले 6 घंटों में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ये अब उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर पूर्व से उत्तर पूर्व में दूरी है, इसलिए अंडमान सागर और बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी सहित सभी समुद्री क्षेत्रों के लिए मौसम विभाग ने कड़ी चेतावनी दी है। उत्तरी अंडमान में भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद जताई गई है, तो वहीं निकोबार में भारी बारिश का अनुभव नहीं होगा। ये भविष्यवाणी 21 मार्च के दिन से अगले 36 घंटों के लिए जारी की गई है। So today, as per the latest, we all know that the depression which was over North Andaman Sea has intensified into a deep depression. And as per the latest 11:30, it lies as a deep depression. It has moved to 20 kilometers per hour last 6 hours. It now lies over North Andaman Sea and adjoining southeast Bay of Bengal. And at 8:30, and distance is 140 kilometers east-northeast of Port Blair. So all the sea area, including Andaman Sea and East Central Bay, we have given under strong warning, 50-60 gusting to 70, which will again pick up 60-70 gusting to 80 kilometer. And about the heavy rainfall, we have kept isolated heavy to very heavy rainfall over North Andaman. Nicobar will not have any much rainfall. Okay, so this is for next 36 hours. This is all about the cyclone. गौरतलब है कि मौसम प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की अपील की है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना था, जो 22 मार्च को बांग्लादेश उत्तरी म्यांमार के तटों पर पहुंचेगा। तूफान के असर के कारण पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और इससे सटे उत्तरी अंडमान सागर और म्यांमार तट के इर्द गिर्द 65 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। बाद में हवाओं की गति धीरे धीरे कमजोर होगी। आसमी 2022 का पहला चक्रवात होगा। मार्च में चक्रवात बनना कोई सामान्य घटना नहीं है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर ने मिलकर पिछले 130 सालों में केवल 8 ही ऐसी संरचनाएं देखी हैं। एहतियात के तौर पर स्थानीय प्रशासन ने अंडमान में निचले इलाकों और बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया है। साथ ही भारी बारिश और खराब मौसम के कारण स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल स्टैंड बाय पर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।